एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई पनीर घर के इंग्रेडिएंट से और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए पहले मैंने पनीर ले लिया है, जिसको मैं थोड़ा सा मैरिनेट करके रखूँगी। तो मैरिनेशन के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, ये मैंने घर पर बनाया था पनीर, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा डाल दिया है नमक, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, एक चम्मच के करीब। तो ये नींबू का रस डाल दिया है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमें रख देना है। और एक पैन ले लिया है मैंने यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डाल रही हूँ, कोई भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म होते ही हम सबसे पहले पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हर साइड से अच्छे से फ्राई होने के बाद, संभाल के फ्राई करना है, टूटे ना पनीर। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी और इसी पैन में शिमला मिर्च को फ्राई करूँगी। तो एक मैंने शिमला मिर्च को चौकोर चौकोर काट लिया है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी इस तेल में। तेल मैंने चेंज नहीं किया है, तो जिस तेल में मैंने पनीर को भूना था उसी तेल में मैं ये शिमला मिर्च को भून रही हूँ उसी पैन में। तो ये मैं निकाल लूँगी और शिमला मिर्च फ्राई करने के बाद उसी तेल में अब मैं प्याज को फ्राई करूँगी। तो प्याज को भी मैंने एक लिया है प्याज, और उसको भी मैंने चौकोर चौकोर पीस में काट लिया है। तो प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता और थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं हो जाता ऊपर से। तो इस तरह से ये मैंने फ्राई कर लिया है प्याज को, और इसको भी निकाल लेंगे। तो प्याज को मैं अलग निकाल ले रही हूँ और इसी कढ़ाई में मैं तैयार करूँगी कढ़ाई पनीर का मसाला। तो मसालों में हमें पहले खड़े मसाले डालने हैं, तो उसमें मैं ये एक के करीब दालचीनी स्टिक डाल रही हूँ। ये डाली है मैंने 2 छोटी हरी इलायची, ये डाली है मैंने जावित्री, और मैं डालूँगी इसमें ये 4 से 5 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च, और ये डाला है मैंने 1/2 स्पून के करीब जीरा। सभी चीज़ों की क्वांटिटी लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये मैंने डाला है 1/2 स्पून के करीब साबुत धनिया, और इसको अच्छे से भूनना है जब तक एक खुशबू नहीं आ जाती इन मसालों में से। मसालों के भुनते ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये प्याज जो मैंने रफली चॉप करके रखे थे, 3 प्याज के करीब मैंने इसमें डाले हैं। और इसको अच्छे से हमें चलाना है, थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा प्याज को चलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 चम्मच लहसुन ग्रेट किया हुआ है, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं 1 चम्मच लहसुन का। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 चम्मच ही अदरक, तो ये भी मैंने ग्रेट करके डाली है, आप चाहें तो दोनों चीज़ों का पेस्ट डाल सकते हैं। और इसको भी अच्छे से चलाना है। तो अदरक लहसुन प्याज को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये रफली चॉप टमाटर। टमाटर भी मैंने 3 के करीब लिए हैं, ये हाइब्रिड वाला टमाटर है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये नमक, 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया है, और अच्छे से मैं इसको चला दूँगी। नमक डाल के थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसको फिर लिड लगा के ढक के पकाऊँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो 10 मिनट बाद मैं ये लिड हटा के देख रही हूँ, तो टमाटर हल्का हल्का गल गया है। और अब मैं इसको बिना लिड के ही पकाऊंगी, और टमाटर हमारा मशी हो चुका है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। तो ये पक चुका है और अच्छे से टमाटर हमारा गल गया है, हर चीज़ गल गई है। तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे, और उस पेस्ट में अब हमें लगाना है तड़का। तो मैं इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ और तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म होते ही कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो ये मैंने डाली है दालचीनी स्टिक, 1 बड़ा या 2 छोटे छोटे तेज पत्ते आप डाल सकते हैं, तो ये तेज पत्ता डाला है। 2 मैंने डाली है साबुत लाल मिर्च, और ये डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
और हल्का सा इसको चला देना है। और जो अभी हमने पेस्ट तैयार किया है अदरक लहसुन प्याज टमाटर वाला, वो मैंने पीस के रख लिया था, तो अब मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने वो पेस्ट ऐड कर दिया है, तो इसको अच्छे से चला देना है, हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा इसको ऐसे ही भूनने के बाद मैं इसको लिड लगा के पकने को रख दूंगी। तो ये 5 से 6 मिनट के लिए मैंने लिड लगा दिया था और इसको हटा दिया है मैंने। थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट हो गया है और इसको अब अच्छे से इसी तरह भूनेंगे हम, जब तक ये बिल्कुल ऑयल अलग नहीं कर देता मसाला। तो ये मसाला अच्छे से भून चुका है मेरा, तो मसाला भुन चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तो जो मिक्सी में मसाला लगा रह गया था उसमें थोड़ा सा पानी मिला के मैं इस मसाले में मिला दे रही हूँ। तो ये पानी मैंने मिक्स कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्रेवी आपको जितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें जो हमने स्टार्टिंग में ही प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई किया था वो डाल रही हूँ। तो ये मैंने प्याज डाल दिया है और ये शिमला मिर्च डाल दी है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मसाले में भून लेना है और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ अपना पनीर डाल रही हूँ। तो ये पनीर डाल दिया है और अच्छे से, ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्का सा चलाना है पनीर को। थोड़ा सा चलाने के बाद, ऐसे ही भूनने के बाद, मैं इसको थोड़ी देर के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए लिड लगा के पकने दूंगी, जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं कर देता थोड़ा सा मसाला। तो 2 मिनट मसाला पकने के बाद ये मैंने हटा दिया है लिड और ऑयल सेपरेट हो चुका है मसाले से, मसाला अच्छे से भुन गया है। और थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे ही चला दिया है और इसको गार्निश कर दूंगी मैं धनिया के पत्तों से। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये बन के तैयार है हमारा रेस्टोरेंट जैसा कढ़ाई पनीर, वो भी सभी घर की चीज़ों से, घर के इंग्रेडिएंट से, कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही ईजिली बन के तैयार हो जाता है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ट्राई ज़रूर करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।